आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपना जो कि फ़ोन में देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, सबसे ऊपर में आपको देखने को लार्ज देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा और स्मॉल देखने को मिलेगा। तो जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी स्टैंडर्ड सेट है, मैं यहाँ पर लार्ज को सेट कर लेता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर लार्ज वाला है जो कि सेट हो चुका है, और यहाँ से आपका जो डिस्प्ले है जो लार्ज दिखेगा, और यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं छोटा हो गया अब ये डिस्प्ले। तो एक बार ये लार्ज पे करके मैं बाहर आके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं कैसा दिखेगा। आपको इसका सेटिंग्स वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ पे, और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सेटिंग में जाता हूँ तो सेटिंग में आपको इस तरीके से बड़ा बड़ा आइकन्स वगैरह दिखेगा। तो वापस से इसको सेट करने के लिए आप भी कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साइज़ वाला ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करके आप डिस्प्ले साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो। मिनिमम साइज़ मैंने छोटा कर लिया है, तो ये देख सकते हैं आइकन भी छोटा हो गया। तो मैं आपको इसको वापस से मैं सेटिंग में जाता हूँ। अब देखेंगे तो जितने भी जो सेटिंग के फीचर्स है वो छोटे हो चुके आपके सामने हो गए, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको जो लार्ज डिस्प्ले को और साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ आपको जो भी साइज़ पसंद है उसको आप कर सकते हो सेट। गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसमें और भी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आइकन स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हो, और जो भी आइकन आप चाहते हो यहाँ से थीम चेंज कर सकते हो। जो भी आपको थीम पसंद है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये ओपन थीम पर जा करके एग्री पे क्लिक करके आप यहाँ पर साइन इन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ से क्लोज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप थीम वगैरह, इंटरनेट कनेक्शन होगा तो आपका थीम वगैरह भी हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यहाँ पे आपको जो भी पसंद आता है वो सेट कर सकते हो। कलर भी चेंज कर सकते हो, कलर पे जाओगे तो यहाँ पे ये जो आइकन साइड में होता है या नोटिफिकेशन पैनल होता है या आप देख सकते हो कैलकुलेटर वगैरह भी होता है, तो इन सब का स्टाइल वगैरह कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सभी कलर आपको देखने को मिल जाता है, तो जो भी आपको कलर पसंद है वो आप सेट कर सकते हैं। सब कलर का नाम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वॉलपेपर में भी आप इस तरीके से कलर एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया हो।